प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे हो। देखिए दोस्तों, अगर आप भी GDS का 30041 पोस्ट का फॉर्म भरे हैं और आप भी उस पांच राज्य से बिलोंग करते हैं दोस्तों, जो MP है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी और बहुत बड़ी रिजल्ट को लेकर अपडेट निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए खुशखबरी है दोस्तों कि जो पाँच राज्य का जो रिजल्ट है दोस्तों, जो जिसका भी थर्ड मेरिट लिस्ट, फोर्थ मेरिट लिस्ट अभी तक जारी नहीं की गई है, ठीक है। साथ ही दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो 18 राज्य है उसका फोर्थ मेरिट लिस्ट तक भी जारी हो चुकी है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये पांच राज्यों का जो थर्ड मेरिट लिस्ट है, फोर्थ मेरिट लिस्ट के, उसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। अगर आप भी मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से बिलोंग करते हैं और आपने भी शेड्यूल 2 का फॉर्म भरा है दोस्तों, तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। आप सभी के गुड न्यूज बताया दोस्तों कि पांचों राज्यों का जो रिजल्ट है दोस्तों, एक साथ जारी होने वाली है। थर्ड मेरिट लिस्ट, फोर्थ मेरिट लिस्ट, जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको थर्ड मेरिट लिस्ट, फोर्थ लिस्ट ऐसे जारी नहीं होगा। एक ही साथ एक ही पोर्टल पर एक रिजल्ट जारी की जाएगी, जिसमें आपको थर्ड मेरिट लिस्ट, फोर्थ मेरिट लिस्ट और फाइव मेरिट लिस्ट तीनों को मिक्स करके जारी की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। देखिए दोस्तों, ये क्यों जारी की जाएगी, इसके बारे में पहले हम आपको बताएं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि देखिए, दिसंबर का जो रिजल्ट है दोस्तों, इसका फुल कंप्लीट प्रोसेस का जो लास्ट डेट है 30 दिसंबर तक है दोस्तों, ठीक है। और उससे पहले दोस्तों, और जितनी सीटें हैं सबको भरना है। उससे पहले दोस्तों, आपको बार बार इसमें जो लिस्ट है दोस्तों, मान लीजिए अगर थर्ड लिस्ट जारी होती है तो फिर 25 दिन कम से कम लगेगा, फिर आपको फोर्थ लिस्ट जाएगी तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा। इसके चलते दोस्तों, आपका जो लिस्ट है, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट एक ही साथ जारी होगी, ठीक है। कब जारी होगी क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट है, फाइव राज्यों का रिजल्ट डेट भी जारी की गई है कि आपका जो रिजल्ट है कब जारी की जाएगी। साथ ही दोस्तों, इसमें कटअप को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए है दोस्तों, इसका कटअप में बहुत बड़ी बदलाव देखने को मिला। चलते सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहाँ से आपको और जानकारी प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इसमें हम कटअप की बात कर लेते हैं, थर्ड मेरिट लिस्ट का और फोर्थ मेरिट लिस्ट शेड्यूल 2 का, ठीक है। उसके बारे में बात करें, यहाँ देख सकते हैं राजस्थान का सेकेंड मेरिट लिस्ट हमने डाउनलोड किया है और आप सभी को पता है इसका जो लिस्ट है दोस्तों, 9-10 तक यानी 9 अक्टूबर तक जारी की गई थी। उसके बाद अभी तक कोई लिस्ट इसका जारी नहीं की है। राजस्थान का है, जहाँ पर आप कटअप देख सकते हैं, यहाँ पर 100% वाले कैंडिडेट पूरे भरे भरे दिख रहे हैं, ठीक है। ये राजस्थान का है। ऐसे ही दोस्तों, मिजोरम का है, तेलंगाना का, छत्तीसगढ़ का, MP का है, ये सभी राज्य का है जहाँ पर आपको कटअप को हम बारे में बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि जहां पे आपको 100% वाले जितने कैंडिडेट देख रहे हैं, ये आपको थर्ड लिस्ट में, फोर्थ लिस्ट में नहीं देखने को मिलने वाले। जी हाँ दोस्तों, लिख लीजिए, देखने को नहीं मिलने वाले ये कैंडिडेट। उससे कम परसेंटेज वाले जितने कैंडिडेट, जैसे थर्ड मेरिट लिस्ट, फोर्थ मेरिट लिस्ट, दोनों एक साथ जारी होने वाली, तो दोनों को मिलाकर दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जहां पर आपको 100% दिख रहे हैं, वहां पर 95, 93, 91% वाले कैंडिडेट जरूर देखने को मिलेंगे। ये बहुत बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए कि इसका जो थर्ड मेरिट लिस्ट है, फोर्थ मेरिट लिस्ट एक ही साथ जारी होगी, तो इसका कटअप में बहुत बड़ी बदलाव देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें हम बात कर लेते हैं कि इसका जो रिजल्ट है कब जारी होने वाले पांचों राज्य का। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि विधानसभा चुनाव पांचों राज्यों में चल रहा है, जिसके चलते अभी तक थर्ड मेरिट लिस्ट, फोर्थ मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई। लेकिन दोस्तों, आज की अपडेट आपको बता दें कि देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, पांचों राज्यों का जो अपडेट निकल गया है थर्ड मेरिट लिस्ट, फोर्थ मेरिट लिस्ट को लेकर, कि एक ही साथ जारी की जाएगी, पर कब जारी की जाएगी। इसके रिजल्ट डेट के बारे में बात करें तो इसका जो नतीजा है दोस्तों, 3 दिसंबर को जारी की जाएगी, ठीक है। नतीजे के बाद आपको जो जितने भी गवर्नमेंट का काम है दोस्तों, वो प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है 3 या 4 दिन में, यानी कि आपको 10 दिसंबर से पहले आपका जो लिस्ट है दोस्तों, वो देखने को मिलने वाली, और वो भी लिस्ट आपको जो पांचों राज्य है दोस्तों, जहां आपको MP, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, पांचों राज्यों को मिलाकर एक ही साथ थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट जारी की जाएगी। और जारी की जाएगी तो उसमें आपको जो है दोस्तों, ये 10 दिसंबर से पहले आपको जारी कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट थी, बहुत बड़ी खुशखबरी उन सभी कैंडिडेट का जो 3041 पोस्ट का फॉर्म भरे थे शेड्यूल 2 का, और अभी तक वो पांचों राज्य का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किए गए, तो वो इंतजार कर रहे हैं दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि दोस्तों इसमें जो भी अपडेट मिलेगी आपको सटीक और 100% सही मिलेगी।